बच्चों के लिए कुछ अच्छे संस्कार और अच्छी बातें। माता पिता ने तुम्हें पैदा किया, यह उनकी इच्छा थी, और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, यह उनका उत्तरदायित्व। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचें कि उन्होंने पैदा करके कोई एहसान किया है, और ना ही ऐसी बातें किसी से बोलें। अपने बच्चों को स्पष्ट बोलने की शिक्षा दें कि वह किसी के पीछे कोई बात नहीं कहें, और इस आदत को छोड़ने की शिक्षा दें, जैसा सामने बोलें वैसा ही पीठ पीछे बोलने की आदत डालें। अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए जो अच्छा हो उसकी बच्चे के सामने बड़ाई करो, और जहां कोई गलत करता हो उसकी बुराई करो, और गलत का साथ नहीं देना चाहिए। टीवी में दिखने वाले विज्ञापन से भी तुम बच्चे को गलत और सही पहचान करा सकते हो, उससे होने वाले नुकसान को बताओ। आप बच्चों को रोकते टोकते समय उनका रीजन बताएं, और उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक कारण बताकर ही अपने आप का उदाहरण देते हुए कि मैं इसलिए यह कार्य नहीं करता हूं क्योंकि हमारे जीवन में इससे क्या हानि होती है, और इसके साथ ही यह भी बताएं कि मैं अच्छा करना चाहता हूं, जिससे कि वह आपसे पहचाने और आपको देखकर ही वह अपने आप में सुधार लेकर आए। यदि वह गलत कर रहे हों तो भी बच्चे के मन में घर की हुई गलत बात गलत दिशा में उसे मोड़ कर ले जाएगी। बच्चों को दिखावे के लिए जीना ना सिखाएं, बल्कि उसे अपने आप अंदर से बदलने की प्रेरणा दें। वह मजाक में भी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को हंसी का पात्र बनाए, और ना ही किसी का अपमान करें। और पढ़ाई में कौन किस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, ऐसी तुलना जैसी मूर्ख बातें उन्हें ना सिखाएं। हमेशा बच्चों को सिखाना चाहिए कि आज तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया, क्या तुमने किसी भी भिखारी को खाना खिलाया, या तुमने किसी को दान किया, या तुमने किसी पक्षी को पानी दिया, या तुमने किसी बेसहारा को सहारा दिया, ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया। प्रतिदिन बच्चे को यह एहसास रहना चाहिए कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया। यह बात बच्चे को अवश्य सिखाएं। जब बच्चे कुछ बड़े होने लगे तो उन्हें लिमिट में रहना अवश्य सिखाना चाहिए। बड़े लोग जिन बातों को दोहराते हैं कि लिमिट में खाना खाना चाहिए, लिमिट में शराब पीना चाहिए, लिमिट में सोना चाहिए, और उनकी हर चीज के लिए, उनकी हर बात के लिए लिमिट कितनी है और कितना लिमिट तक उन्हें किसी भी काम को करना चाहिए, जैसे कि आगे के जीवन में वह हमेशा हर काम को लिमिट में करें, जैसे कि उनसे कोई गलती हो भी जाए तो वह भी लिमिट में ही हो, क्योंकि अनलिमिट गलती को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, और लिमिट में की गई गलती को सुधारना ना थोड़ा मुश्किल लेकिन सुधारी जा सकती है। बच्चों के कमरे में ज्यादातर महापुरुषों के पोस्टर लगाएं, और अच्छी अच्छी बुक्स रखें, और उनके समक्ष ऐसी तस्वीरें लगाएं जिन्हें देखकर उन्हें प्रेरणा हमेशा मिलती रहे, और अच्छे अच्छे कार्यों को करने की भावना उनके अंदर जगे। किसी भी काम के लिए उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, और उन्हें प्यार से ही उस बात को समझाएं, जिससे उनका मन कुछ अच्छे कार्य को करने के लिए अपने आप ही करने लगे, और अपने हृदय में विराजमान अच्छी बातें उनके हृदय से ना निकले, क्योंकि बच्चों पर डाला गया दबाव एक गलत दिशा में बच्चों को ले जा सकता है, क्योंकि बच्चों को दबाव देने से उनके मन में गलत भावना उत्पन्न होती है। विशुद्ध शाकाहारी रहें, एवं हर प्रकार की सब्जी भाजी तरकारी घर में बनाएं, एवं स्वयं भी स्वाद लेकर खाएं व बच्चों को भी खिलाएं। यदि ठीक से ना बना पाएं तो किसी सक्षम व्यक्ति को बुलाकर उससे सीखें, ताकि बच्चे आजकल के बड़ों जैसे भी भाजी मुझे पसंद नहीं कभी ना बोल सके, और प्रकृति में सुलभ सभी पोषक तत्व उन्हें आजीवन सरलता से मिलती रहे। बच्चों के लिए दी गई संस्कारी बातें हमारी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।